तो सबसे पहले आप इस पेज को देखिए, यहाँ पर देखो सी आई डी वीडियो अपलोड करके यहाँ पर देखो 2,53,000 का फॉलोअर्स बना लिए, और हर एक वीडियो पर व्यूज की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो 1,95,000, 1,46,000, 59,000, 1.1 मिलियन, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो 2,61,000, 2.4 मिलियन, मतलब जो कि कुछ इस तरह से दबाकर व्यूज इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी सी आई डी वीडियोज अपलोड करके, और यहाँ से जो कि लाखों रुपये महीना भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ आप फेसबुक पर सीआईडी वीडियोस अपलोड करके भी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था ना कि आप फेसबुक पर मूवी क्लिप अपलोड करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सीआईडी वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे आधा मेहनत से भी आप यहां से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से सीआईडी वीडियो लेना पड़ेगा, किस तरीके से आपको इसको एडिटिंग करना पड़ेगा, और किस तरह से आपको यहां से पैसा कमाना होगा। ये सारा चीज आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी फेसबुक पर सीआईडी वीडियो अपलोड करके लाखों रुपया महीना कमा सके। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं और सीआईडी वीडियो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए, तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो में पहली बार आए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर कुछ इस तरह का गजब तरह का कंटेंट अपलोड होते रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एडिटिंग करना है, और हमें कैसे क्या करना है ताकि हम भी फेसबुक पर सीआईडी वीडियोस अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो पेज दिखा देता हूं। यहां पर देखो कौन सी पेज है, कार्ली हॉपकिंस, यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो इस पेज पर कितना फॉलोअर्स है, 2,53,000 फॉलोअर्स है, 8,400 लाइक्स है। अब यहाँ पर हम जाते हैं वीडियोस में, वीडियोस में जाने के बाद यहाँ को 1,95,000, 1,46,000, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अगर आपने नीचे में आओगे ना तो नीचे में आने के बाद आपको देखने को मिलेगा मिलियंस ऑफ व्यूज। क्या है मिलियंस ऑफ व्यूज, देखो 1.2 मिलियन, 1.6 मिलियन, 9,39,000, और कुछ इस तरीके से और भी थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो 1 मिलियन, मतलब जो कि व्यूज जो कि यहाँ पर दबा कर ले रहे हैं। तो अब इतने सारे व्यूज आ रहा है तो लाखों में पैसा भी कमा रहे हैं। तो आज मैं आपको यही चीज दिखाऊंगा कि किस तरह से आप सीआईडी वीडियो अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले डाउनलोड प्रोसेस जानना होगा कि हम किस तरीके से और कहां से जो कि ये सीआईडी वीडियो ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सीधा आना है आपका यूट्यूब पर। क्या करना है, आपको सीधा यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहां पर जो सर्च बार है, सर्च बार में आना है और यहां पर आपको सीधा लिख देना है सीआईडी। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर देते हैं। अब सर्च कर देने के बाद यहाँ पर देखो कुछ चैनल शो हो जाता है, देखो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस भी आ जाता है, तो आप यहाँ पर कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लेना होगा। यहाँ पर जैसा कि देखो इस वीडियो पर मैं क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ पर लोगों पर क्लिक करूँगा। लोगों पर क्लिक करने के बाद देखो इस चैनल पर 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब हमें करना क्या, वीडियो वाला सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो रिसेंट में जो वीडियो चल रहा है ना, ये वीडियो को हम अपलोड नहीं करेंगे अभी। क्या करेंगे, इस वीडियो को हम अपलोड नहीं करेंगे, हमें जाना है यहाँ पर पॉपुलर है, ओल्डेस्ट है, तो हमें ओल्डेस्ट वीडियो में जाना है, जो सबसे पुराना वीडियोज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कितने 2 साल पहले का वीडियो है, यहाँ पर देखो 2 साल पहले का इतने सारे वीडियोज है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से वीडियोज को हमें डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने का प्रोसेस की अगर बात करें तो डाउनलोड में आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा सकते, इससे पहले एक बार दिखाया था तो थोड़ा सा दिक्कत आए थे। तो अगर आपने डाउनलोड प्रोसेस सीखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ से मूवी क्लिप को डाउनलोड करें, बहुत कोई क्या करते हैं बिडमेट डाउनलोड करता है लेकिन बाद में वीडियो जो कि सो ही नहीं होता है काइनमास्टर में या फिर इंसर्ट पर, तो मैं आपको ऐसा प्रोसेस बताता हूं कि आप कैसे जो कि डाउनलोड करोगे और आपका वीडियो सो भी होगा आप जब एडिट करोगे। तो इसके लिए ये जो वीडियो है, डाउनलोडिंग वाला जो प्रोसेस है, मैं इस वीडियो को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है आप चेकआउट कर लेना। वहां पर जाके आपको पिन किया हुआ एक मैसेज मिलेगा, जो भी पोस्ट मिलेगा वहां पर देखेंगे, बता कर रखे हैं कि आप किस तरह से ये सीआईडी वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का वीडियोस को यूट्यूब से उठाया हुआ किसी भी वीडियोस को आप उस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से क्या होगा आपका वीडियो सेफ भी रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, 2 वीडियोस का डाउनलोड करते हैं। अब यहां पर 2 वीडियोस मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों को इसीलिए 2 वीडियोस डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपने 2 वीडियो को मिक्स करके अगर वीडियो बनाते हो ना तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा, एल्गोरिथम हैक हो जाएगा, समझ रहे ना। अगर आपने 2 सीआईडी वीडियो को डाउनलोड करते हो और एडिटिंग में एक पार्ट इधर का एक पार्ट उधर का, मतलब 2 वीडियो का 2 पार्ट लेंगे तो समझ में नहीं आएगा और आप जो कि कॉपीराइट से भी बच जाएंगे और आपका वीडियो भी सेफ रहेगा। तो इसीलिए आप 2 सीआईडी वीडियोस डाउनलोड करो। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आपको एडिटिंग कैसे करना है। अगर आपने परफेक्ट एडिटिंग कर लेते हैं मेरा दिया हुआ तरीके से, तो आपका जो कि वीडियो भी सेफ रहेगा और आप जो कि फेसबुक से लाखों रुपये महीना भी कमा सकते हैं और इस तरह का वीडियो पर व्यू जो कि भर भर के भी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको एडिटिंग में ऐसा क्या चेंजेस करना है।
तो एडिटिंग करने के लिए काइनमास्टर को मैंने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू में क्लिक करना है। तो जब भी आप कोई भी मूवी क्लिप हो या फिर CID वीडियो हो, मतलब फेसबुक पर अपलोड करने के लिए दो रेशियो में से एक रेशियो को सिलेक्ट करना। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक 1:1 वाला रेशियो है और एक है 4:3। ये दोनों रेशियो में से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको अच्छा लगे। तो ज़्यादातर मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा अभी जो कि अच्छा चल रहा है ये 4:3 वाला रेशियो। तो आप क्या करो, इस 4:3 वाला रेशियो में क्लिक करो। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पर क्रिएट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, दो CID वीडियोस डाउनलोड करना है और दोनों को आपको मिक्स करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से आओ और दो ही CID वीडियोस को यहाँ पर ले लो। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, दो वीडियो को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले हमारा काम रहेगा इस पर क्लिक करके, पैन एंड जूम का जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पैन एंड जूम, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे फुल जूम कर लेते हैं जितना हमें होता है। यहाँ पर देखो मैंने पूरा जूम कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो क्लोन वाला ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, दो साइड मैच हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब जो यहाँ पर लोगो दिख रहा है कोने में, देखो अभी भी यहाँ पर एक छोटा सा लोगो मतलब थोड़ा सा दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इस पार्ट को कट कर लेते हैं जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर कट कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पैन एंड जूम में क्लिक करके फिर से और भी थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई लोगो वोगो शो नहीं हो रहा है। हमें करना क्या है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ जहाँ पर, वही पार्ट को हमें लेना है। ज़्यादातर हमें नहीं लेना, ज़्यादा पार्ट को हमें नहीं लेना है। जहाँ पर सस्पेंस क्रिएट हो रहा है वही पार्ट को लेना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक ऐसा पार्ट को ले लेते हैं जिस पार्ट को देखने के लिए लोग रुक जाएगा, मजबूर हो जाएगा पूरा वीडियो को देखने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने इस पार्ट का यहाँ पर कितना है, 3:04 का ले लिया। अब ये जो पार्ट है, ये जो पूरा वीडियो है, इस वीडियो का हम अब डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देने के बाद फिर से हमारे पास ये वीडियो आ जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इस वीडियो को हमें जूम आउट कर लेना है कुछ इस तरह से, मतलब जूम इन कर लेना है इस तरह से। हमें क्या करना है, पैन एंड जूम करके यहाँ पर सेट कर देना है। अब लोगो आ रहा है कि नहीं देख लेते, लोगो नहीं आ रहा है। अब हमें करना क्या है, इस पार्ट का कुछ हिस्सा को हमें लेना है। क्या करना है, इस पार्ट का कुछ हिस्सा लेना है जो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये मर्डर वाला सीन है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस जगह में क्लिक करके इस पार्ट को हम कट कर देते हैं। कट कर देने के बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। यहाँ पर देखो ये सस्पेंस क्रिएट होने वाला सीन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 5-6 मिनट का होगा ये। देखो यहाँ पर कंप्लीट, और यहाँ पर देखो ये सारा चीज़ भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं बीच में। देखो यहाँ पर मैंने कट कर लेता हूँ। अब कट करने के बाद आगे हमें जाना है। आगे देखो फिर से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा सस्पेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद जो फाइटिंग वाला सीन होता है ज़्यादातर, उसी सीन को लेना है। तो देखो यहाँ पर 6:25 हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं इस पार्ट को जहाँ पर ये फाइटिंग होने वाला है। यहाँ पर देखो ये फाइटिंग तो होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर हो गया। तो अब हमें करने का है, यहाँ पर कुछ पार्ट को लेना है। 8-10 मिनट का वीडियोज़ बनेगा। यहाँ पर हो गया ना, 8-10 मिनट का वीडियो होते ही हमें क्या करना है, इसे बंद कर देना है। देखो यहाँ पर हो गया। चलो यहाँ पर इस पार्ट को मैंने कट कर देता हूँ। अब ये रहा मेरा वीडियो, ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से इस लेयर में क्लिक करो। थोड़ा सा आप मिक्सर में आओ, जिस तरीके से मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ, पीच को थोड़ा सा घटा दो यार। पीच को घटाओ या फिर बढ़ाओ, आपका मर्जी। पीच को घटा बढ़ा सकता है जिससे आपका सेफ रहेगा। यहाँ पर मिक्सर में क्लिक करके इसे ऑन करो ऑटो वॉल्यूम को, और पीच को 1% कम कर दो। पीच को 1% कम कर देने के बाद ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप पहले कर देते हैं। ये जो उस वीडियो का पार्ट है, इस वीडियो को पहले कर देते हैं। पहले कर देने के बाद देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम पहले कर देते हैं आगे। देखो उस पार्ट को मैंने आगे कर दिया, इस पार्ट को मैंने पीछे कर दिया। तो आपको कुछ इस तरह से, बस ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ये सारा चीज़ करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर जो अपना वीडियो है इसे एक्सपोर्ट कर लो। बहुत आसान है, ये आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। इसे एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है। एक्सपोर्ट कर लो, आपका जो भी क्वालिटी में चाहिए उस क्वालिटी को सिलेक्ट करो, बीट रेट को सिलेक्ट करो, फ्रेम रेट को सिलेक्ट करो। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप इसे क्या करो, यहाँ पर सेव एज वीडियोज़ में क्लिक कर दो, ये सेव हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से एडिटिंग कंप्लीट करना है।
अगर आपने कुछ इस तरीके से एडिटिंग करते हैं जिस तरीके से मैं आपको दिखाया तो आपका वीडियो सेव भी रहेगा। आप फेसबुक पर अपलोड करोगे एक आध तो वीडियो हो सकता है ब्लॉक हो तो उस वीडियो को आप डिलीट कर दो, बाकी सारे वीडियो जो कि आपका सेफ रहेगा और आप जो कि फेसबुक से पैसा भी कमा सकते हो, अच्छा फॉलोअर्स भी गेन कर सकते हो। तो ये रहा सीआईडी वीडियो एडिटिंग करने का और इस तरीके से पैसा कमाने का एकदम सही तरीका। अगर आपने करते हैं तो आप भी फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर एक बार झांक करके देखोगे स्क्रॉल करके तो आपको जो कि कुछ इस तरह का जबरदस्त कंटेंट देखने को मिल जाएगा जो आपको बहुत काम में आने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि आपके पास कुछ इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, बेनिफिट आपका भी होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।